तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड दी वैल्यू ऑफ 2.3 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर 2 क्या होगा। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3, तो इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे अपॉन 3 को 3 टाइम्स, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 अपॉन यहाँ जाएगा 5 इंटू 5। तो यहाँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 इंटू 3 ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 8 अपॉन 5 इंटू 5 25 3 जा, ये आ जाएगा 75। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसको आंसर कह देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, -2 की होल पावर 4 डिवाइड बाय -2.3 होल पावर 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, -2 की होल पावर 4 अपॉन, ये डिवाइड में है तो इसको नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर इक्वल का चिन्ह इस तरीके से लगाएंगे, -2 अपॉन 3 होल पावर 5। अब यहाँ से अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 होल पावर 4 इंटू, क्या होगा, ये 3 की पावर होल 5 ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर होल 5 अपॉन -2 टू दी होल पावर 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू में दे देगा, ये देखा जाए -2 की पावर होल 4 अपॉन -2 की पावर होल 5। तो इसको इस तरीके से कर लेंगे, यानी -2 की होल पावर m और n, m अपॉन n का फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n, यानी 4 माइनस 5 इंटू, इसको लिख लेंगे 3 टू दी होल पावर 5। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 टू दी पावर -1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 को 5 टाइम्स। तो यहाँ से -2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो यहाँ से वैल्यू जब आएगी 3 3 का 9 3 7 3 81 3 3 एकम 3 3 8 24, यानी 243/-2। तो माइनस यहाँ लगा लेते हैं, नीचे 2 लिख लेते हैं, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.2 की होल पावर 4 डिवाइड बाई 1.3 होल पावर 4। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे करेंगे, यहाँ पर देखा जाए 1/2 की होल पावर 4, इसको इस तरीके से लिख लेंगे अपॉन, ये वैल्यू है 1/3 होल पावर 4, इसको यहाँ पर इक्वल चिन्ह लगाएंगे। अब गए जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखा जाए इसको 3 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा अपॉन 2, तो इसकी होल पावर आ जाएगा 4, क्यों, क्योंकि पावर जो है सेम है। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये वैल्यू दे देगा हमें 3 3 का 9 3 7 81 81/16। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 4.5 की होल पावर 2 और डिवाइड बाय 3.4 की पावर 3। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसको लिखेंगे 4 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5, डिवाइड का चिन्ह ऐसे रखेंगे, डिवाइड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4।
उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको लिखेंगे 4 × 4 अपॉन 5 × 5। यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह बना लेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह बनाएंगे तो ये नंबर, ये फ्रैक्शन है, ये चेंज हो जाएगा, यानी 4 ऊपर चला जाएगा, 4 × 4 अपॉन 3 × 3 × 3। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे दिया जाएगा 1024 अपॉन, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू दे देगा 675। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, वाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 3 to the power -8 सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3। यानी कि हम 3 की पावर -8 में कितने का गुणा करें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आए वो इक्वल टू 3 आए। तो ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट 3 की पावर -8 इंटू 3 की पावर x इक्वल टू 3। हमें जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे आएगी इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे, इसको लिख लेंगे 3 की पावर m - n, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो हो जाएगा ए की पावर m+n। तो यहाँ से x - 8 इक्वल टू, इसको लिख लेंगे 3 की पावर 1, क्योंकि बेस समान है तो क्या आ जाएगा x - 8 इक्वल टू आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। x की वैल्यू जब 9 आ जाएगी इसलिए रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ से रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 3 to the power x इक्वल टू 3 to the power 9। यानी 3 to the power 9 से अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 पावर -8 में तब हमें वैल्यू आएगी 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड x सो दैट 3 upon 5 होल पावर 3 इंटू 3 upon 5 होल पावर -5 इक्वल टू 3 upon 5 होल पावर 2x - 4। देन x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू दी गई उसको लिख लेते हैं 3 upon होल 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखा जाए बेस क्या है, a, यानी सभी जगह कोई एक रेशनल नंबर a है, बेस समान है, तो बेस समान होता है तो क्या हो जाएगा ऊपर वैल्यू आ जाएगी 3 - 5 यानी कि m - m+n, और n कैसा नेगेटिव है तो 3 - 5 इक्वल टू यह आ जाएगा 3 upon होल पावर 2x - 4। अब यहाँ बेस समान है, जब बेस समान होगा तो 3 - 5 इसलिए 3 - 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x - 4। ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, 3 में से 5 माइनस के सब्ट्रैक्ट होंगे। उसके बाद ये इसको ऐसे रखते हैं 2x - 4, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 2 और ये माइनस का प्लस, माइनस का 4 जो इधर आएगा प्लस का 4 आ जाएगा इक्वल टू 2x, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 इक्वल टू 2x। यहाँ से अगर देखा जाए तो वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 2 upon 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर देखा जाए x की वैल्यू मिल गई 1, दैट इज आंसर।